सत श्री अकाल जी, तुम वेख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं तुहाडे नाल ललिता जामवल। संगरूर तो सांसद सिमरजीत सिंह मान वालों शहीद आजम भगत सिंह नूं लेकर दिए गए बयान नूं लेकर लगातार सारी विरोधी पार्टी जिहड़ा उन्हां दा खंडन करदी नज़र आ रही है। तो उत्थे ही अज यूथ कांग्रेस वालों सैक्टर 16 दे विच शांतमई जिहड़ा धरना दिता गया। यूथ कांग्रेस दे प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों की अगवाई दे विच अज जिहड़ा इह धरना दिता जा रहा है। बरिंदर जी, की कुछ कहना जिहड़ा अज धरना दिता जा रहा है? देखो, पंजाब शांति बनी रहे, पंजाब च अग ना लगे, और इस करके असी शांति दे प्रतीक महात्मा गांधी जी दे थल्ले बैठे हाँ। भगत सिंह जी का जिहड़ा अपमान किया जा रहा, उसकी अपील करते हैं भी उन्होंने अपमानित ना किया जाए, उन्होंने अत्तवादी ना किया जाए। उन्होंने देश वास्ते कुरबानी दी आ, उन्होंने बड़ा वड्डा योगदान आ, और इस योगदान सानू सारयां नू सन्मान करना चाहिए। मान साहब कहते कादे माफ़ी मंगा, सच बोलो। मान साहब कौन होंगे? मान साहब ने तो मंगनी नहीं माफ़ी। मान सिमरजीत मान जी थोड़ा माफ़ी मंगणगे। ये सरकारों को वेखना चाहिए भी इस चीज़ की बयानबाजी के लोगों पर की असर हों, और लोगों कानूनी तौर पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल कोई भी शहीदों माड़ा चंगा बोलना शुरू कर दूगा। सो य लोगों भी वेखना चाहिए, उन्होंने समर्थकों को वेखना चाहिए। जो उन्होंने समर्थक चुप बैठे जो भगत सिंह के नाम से पग्गां बांधे, जो भगत सिंह के नाम से गाने गाते, जो राजनीति करते, अज वो उन्हों तो क्यों नहीं वखरा होकर अपनी गल करते? और जिहड़ा उन्हां दा बयान है कि जिहड़ा हरिमंदर साहिब दा अटैक होना सी ते उन्हां दे नाने ने जिहड़ा जनरल डायर नूं शांत कीता, ते सरोपा सिमरजीत मान कोई बहुत मतलब वह आ भी जिहड़े जिहड़े जो कह देणगे उही सच आ कि सिमरजीत मान जो कही जा रहे आ आपां उहनूं सच मन्नी जाईए। हिस्टरी दे रिकॉर्ड हो गया, वो कोई मतलब भी कोई लीगल फ्रेमवर्क दे विच गल्लां आ गईआं, और वो गल जिहड़ी वो कह रहे आ, वो कह रहे भी नहीं तां अटैक हो जाणा सी उहनां दे कहण ते, इहदे कोल की प्रूफ आ? जिहड़ियां बेतुकियां बयानबाजियां वो करदे रहिंदे आ बिना किसी गल तो अग लाने की गल आ, बिना किसी गल तो अपने आप को यह दसना भी असी महान हाँ, साडे जिहड़ा जो कोई साडे नाल वो महान आ, तो बाकी सारे बेईमान आ। ये गल गलत आ ना, तुसी भगत सिंह ते भी सवाल चुकते, तुसी महात्मा गांधी ते भी सवाल चुकते, और तुसी कल्ले सच्चे हो गए। सो ये चीज़ तो यह हरेक की अपनी विचारधारा वा, हरेक अपनी विचारधारा नाल जुड़िया होया। जिस विचारधारा नाल असी जुड़े हुए असी उस विचारधारा का सन्मान करते हैं, और उस विचारधारा लई खड़दे हाँ, भावें कोई भी ना खड़े साडे नाल, कोई एक बंदा भी नाल खड़े इस चीज़ के विच, लेकिन जिहड़ी विचारधारा च असी विश्वास रखते असी उहदे नाल खड़े रहांगे डट के। ये उपर नीचे हुंदा रहिंदा वा, कई बार किसी कोई बंदे ज़्यादा होंगे किसी घट होंगे, लेकिन अपनी विचारधारावां नहीं छड्डनियां चाहीदियां। विचारधारा यह भी आज़ाद देश आ, सब का सन्मान करो, सब नूं नाल जोड़ो, और किसी नूं आपस च वंडो ना। इन्होंने तो शहीद वंडते, इन्होंने तो शहादतां वंडतियां, इन्होंने तो अपना जिन्होंने आज़ादी संग्राम लड़े आ उन्होंने वंड के रखता, अज पंजाब नूं वंडन की कोशिश कर रहे हैं। बठिंडा दे विच महात्मा गांधी दा जिहड़ा बुत तोड़िया गया, अंसरा बुरे की कहना? देखो, ता ही असी अज इत्थे बैठे हाँ, ता ही असी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, और अज इस सोच नूं देश विच नौजवानों विच लैके जाण दी भी लोड़। असी मीडिया राही नौजवानों नूं अपील करते हैं, असी अपने जिहड़े साडे पार्टी के प्रोग्राम हुंदे आ, असी तुहानूं इह भी कहिंदे आ, असी महात्मा गांधी जी की फोटो जिहड़ी आ हर सरकारी दफ्तर च लावांगे। असी चिट्ठी लिख रहे हैं भगवंत मान जी नूं, कल उन्हां तक चिट्ठी पहुँच जूगी, उस तो बाद देखांगे उन्हां दा की जवाब आंदा। अगर तो वह खुद ला देणगे बहुत वधिया, नहीं तो असी जाके आज़ादी दिवस के उत्ते उस तो पहलों असी वह फोटो जाके आप दफ्तर च लावांगे। ये भी कहिंदे कि जिहड़े भिंडरा वाले हैगे वह नैशनल हीरो है, पर उन्हां नूं आतंकवादी कहा जाता है? देखो, उन्हां दे हीरो जिहड़े भी हो सकते आ, वह उन्हां दी सोच आ। एक कानून आ, एक देश का संविधान आ, एक देश दियां सरकारां वा, और एक देश के लोग आ। मैं फिर एक तुहानूं कहिंदा, वन मैनस टैररिस्ट इज़ अदर मैनस फ्रीडम फाइटर। असी इस सोच ना कहिंदे, असी उन्हां दा असी उन्हां नूं अपमानित नहीं करते, लेकिन असी नाल नाल ये कहिंदे आ भी जिहड़े साडे हीरो आ उन्हां नूं अपमानित ना करो। अगला की स्टैप होएगा? कांग्रेस पार्टी पंजाब दे विच शांति बनाउण दी पूरी अपना अपील करती आ, और कांग्रेस पार्टी ये जिहड़ी लड़ाई आ ये नौजवानों विच इस विचारधारा के खिलाफ अपनी लड़ाई जिहड़ी आ वो लड़दी रहेगी, और नौजवानों नूं इन्हां दे राह दे उत्ते चलन तो अपील करती आं भी इस राह ते ना चलो, ये बर्बादी का राह वा। इस राह दे विच अग लगती आ, नौजवानों दे विच बेसिक मुद्दों तो भटकते हैं, और ये मुद्दों का कोई हल नहीं है। बरिंदर जी, खालिस्तान दे बड़े बैनर लगते, लगातार ये चीज़ां सामने आ रही, सरकार दा किस तरह? देखो, एक दो जगह बैनर लग जाते, तीन जगह, और गल बहुत वड्डी बना देंगे। पंजाब दे विच कोई इहो जिहा माहौल नहीं हैगा, एक कुछ चंद लोग आ जिहड़े अग लाना चाहते आ पंजाब दे विच, एक कुछ चंद लोग आ जिहड़े माहौल खराब करना चाहते आ। साडी अपील आ लोगों नूं
भी जब तक कांग्रेस पार्टी खड़ी आ पंजाब दे विच शांति भी बनी रहेगी और पंजाब दे विच अग नहीं लगन देवांगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਕਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਏ ਆਪਕੋ ਡਿਟੇਲ ਮੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਣੇ ਕਾ ਔਰ ਆਜ ਫਿਰ ਸੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਉਤਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਥੇ उनकी शहादत का कोई अपमान करेगा तो यूथ कांग्रेस कांग्रेस पार्टी डटकर उनका मुकाबला भी करेगी, उस विचारधारा से भी लड़ाई लड़ेगी। ये सोच की और विचारधारा की लड़ाई है, तो शहीदों के सम्मान के साथ यूथ कांग्रेस खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो हमारे साथ साढ़े नाल गलबात लई राजस्थान दे भी जिहड़े जनरल सैकटरी है यूथ दे ओ संगीता मैडम है जिहड़े जुड़ चुके ने। संगीता मैम क्या कहना है? देखिए जो भी शहीदों ने देश को आज़ाद कराया, शहीदों का अपमान देश का अपमान है। ये कोई भी व्यक्ति कोई भी पार्टी कोई भी करे, ये हर देशवासी के लिए शर्म की बात है। जो अपने देश के लिए ऐसी बात कर सकते हैं तो उनका माइंड सेट आप समझ सकते क्या है। वो लोग क्या तो देश को चलाएंगे क्या प्रदेश को चलाएंगे। जनता को अवेयर होने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों से और ऐसी पार्टियों से देश को बचाने की ज़रूरत है, सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। सो बिल्कुल ठीक है जी, एकजुटता बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिन्होंने शहीद अपनी कुर्बानियां दित्तियां देश के लिए उन्हों का सम्मान बहुत जरूरी है। तो इस तरह की जी गल नहीं करनी चाहिए कांग्रेस का कहना, तो साढ़े नाल और भी जुड़ चुके हैं। सत श्री अकाल सारे जी, मेरा यही कहना चाहना जी, लोगों ने चुन के भेजा एक MP बना के भेजा है, सरकार के उल्ट वोटा पाइया, लोगों ने इन्ना वड्डा फतवा दिता तो उस बंदे तो यह जे बयान कि भगत सिंह की जिहड़ी शहादत आ उत्ते सवाल चकते, वह भी जिहड़ा बंदा पंजाब का सपूत आ पूरे हिंदुस्तान का सपूत आ। चलो आपां किसी होर सूबे तो फिर भी सोच सकते हैं कि हाँ भी कोई सवाल चके, मतलब पंजाबी ही पंजाब पंजाबी ते सवाल चक रहा उहदी शहादत ते जिहनूं पूरी दुनिया मानदी आ, हर एक मतलब पार्टी पद्धर तो उठ के भावें कांग्रेसी आ भावें कोई भी आ, तुसीं देखो कोई भी किसी नूं वड्डा अहुदा मिलदा कोई MLA बने कोई प्रधान बने कोई MP बने वह खड़ खड़ा जाता वा उत्थे मत्था टेकता वा। जिहड़ी नवनियुक्त सरकार आ उहने उत्थे सहुं चुक समागम किया, असीं तां इही कहांगे जिहड़ियां भेडां वा जिहड़ियां सपोर्ट करदियां इन्हें आम आदमी नूं जिन्हां ने पीलियां पग्गां बन के उत्थे किया प्रोग्राम, तो उन्हां वल्लों उन्हां दे जिहड़ा मुखी आ भगवंत मान वल्लों कोई एक बयान नहीं आया मान जा मान साहब दे उल्ट, बहुत ही हैरानी योग आ। सरकार तां कहिंदी आ मीथियर ने प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती सो कहिंदा माफ़ी तां मंगनी चाहीदी आ, उन्होंने माफ़ी मंगनी नहीं। तुसी आप देखिए ही आ हमेशा उल्ट बोलते आ हमेशा गलत बोलते आ, हमेशा कोई ना कोई अपना अगेंस्ट बयान दे देंगे जो जिहड़ा एक आप कहने इंसानियत दे ह्यूमैनिटी दे आ ताकि मतलब लोग खेडी जान मैं बयान दे के हो गया तुसी अज भी देखिया अजो सहु चक आए आ, पहलो किन्ना रौला सीगा मीडिया च इन्नी अखबारां इन्ना च न्यूज़ आईया उन्हें स्टेटमेंट सी कि हाँ भी बिना कृपान तो अगर कृपान नहीं दिता एंटर कर दिता गया करन मैं सहु चुकूंगा नहीं, तो अज आप देखे लाइव फोटोज आई फुटेज आई वह सहु चक रहे हैं पर उन्होंने कृपान अलाउड नहीं की गई। उस बंदे का कोई स्टैंड नहीं, इन्नी उम्र हो चुकी है तो मतलब इन्ने उम्र त्याज बंदे तो यह जी मतलब जिहड़ियां स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं है पंजाब नूं तो खासकर। तो सो अज तुहानू दस दईए कि सिमरनजीत सिंह मान जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह नूं एक आतंकवादी दस्या सीगा उस बयान का लगातार सारी पार्टियां वालों विरोध किया जा रहा खंडन किया जा रहा है, तो दूजे पासे अज कांग्रेस पार्टी वालों अज सैक्टर 16 दे विच एक रोस प्रदर्शन शांतमय रोस प्रदर्शन जिहड़ा किया गया, तो उन्होंने ये भी कहा कि जेकर इस तरह के बयान उन्होंने नहीं देने चाहिए क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने देश नूं आज़ाद कराया अपनी जान की कुरबानी दिती है उस सारे दे पूरे पंजाब नहीं पूरे देश दे सपूत, सो इस तरह की उन्होंने जी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तुसीं वेखदे रहो अजीत WebTV, मैं हां तुहाडे नाल ललिता जामवाल सुरेंद्रपाल दे नाल। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तों नूं पेज लाइक करने लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत WebTV,
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।